दानापुर के रूपसपुर में दो गुटों के बीच झड़प मारपीट फायरिंग। सुगौली के राजद विधायक पर भी लगा आरोप, दूसरे पक्ष ने लगाया आरोप। मारपिटाई से दो युवक घायल। रूपसपुर थाने की पुलिस ने कहा, एक पक्ष की तरफ से विधायक और अज्ञात लोगों के खिलाफ आया है आवेदन, मामले की हो रही है जांच। क्या हुआ था, क्या घटना घटी? मेरा नाम जितेंद्र कुमार जीतू यादव है, हम रूपसपुर के रहने वाले हैं। मेरा रूपसपुर गांव के सट्टे मेरा एक प्लॉट है 1.5 बीघे का। उस प्लॉट पर आज दोपहर में शशिभूषण सिंह, जो अभी रजौली के विधायक है, पूर्वी चंपारण के हैं, वो अपने गुर्गों के साथ 35 लोगों के साथ आए जेसीबी के साथ, और उस प्लॉट पर काम लगाना मतलब काम चालू कर दिए। वहां के लोगों से हमको कॉल आया कि आपके प्लॉट पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और काम मतलब लगा हुआ। हम अपने प्लॉट पर गए तो वहाँ गए तो देखे कि शशिभूषण सिंह विधायक हैं, उनका गाड़ी है और उन बहुत सारे उनके साथ 35 लोग एक्स्ट्रा भी लोग थे। हम लोग उनको मना किए कि तो मेरा प्लॉट है, आप मेरे प्लॉट पर इस तरह का ज़बरदस्ती काम क्यों कर रहे हैं? तो बोले कि हम यहाँ राजद के विधायक हैं, हमारी जो मर्जी होगी करेंगे, मेरा प्लॉट है, तुम लोग भागो साला यहाँ क्यों आया? बोले नहीं, मेरे प्लॉट पर है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर उनके द्वारा हमको गाली गलौज किया गया और उनके द्वारा जो भी उनके साथ जो आदमी थे वो अपना पिस्टल निकाल कर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिए और एक पिस्टल मेरे ऊपर ताने। हम ऐसे कि मतलब अपना बचाव किए तो निकल गया मेरे कान्हा से बगल के। उसके बाद फिर जो उनका जो भी बंदूक होता है, छोटा छोटा बंदूक, हम लोग शांति आदमी हैं, प्रिय आदमी, हम लोग मतलब बंदूक वगैरह उस तरह का नहीं जानते हैं, हम लोग किसान में लेती हैं, मतलब सच्चे सच्चे आदमी हैं। वो कुंडा से हम लोग को दनादन मारना स्टार्ट कर दिए, जिसमें देखिए हम बहुत तरह से जख्मी हो चुके हैं। हम यही गुहार लगाएंगे आज के सरकार से कि आज से सीधे साधे लोगों का जमीन इस तरह से विधायक दबंग लोगों के द्वारा अगर हड़प लिया जाता है तो आज हम लोग कहाँ जाए? हम लोग जो सरकार बनाए हैं यहाँ पे, हम सरकार को चुने हैं ताकि इन्हीं दबंग लोगों से हमारी हिफाजत हो, हमारी तकलीफ दूर किया जाए। लेकिन यहाँ तो ये सरकार के आदमी ही जो अभी RJD के विधायक हैं, वो अपने मतलब पावर दिखाते हुए सही प्लॉटों का जबरदस्ती दखल कब्जा कर रहे हैं। अगर प्लॉट छुड़वाने जाते हैं तो जान मारा जाता है और धमकी दिया जाता है कि अगला भी चली थी, बहुत सारा गोली चला था, उसका रिकॉर्डिंग भी है, आसपास के लोगों ने कर रखा है। पुलिस को आपने फोन किया था? पुलिस को हमने कॉल किया लेकिन पुलिस घटना पर नहीं पहुंची। हाँ, फिर हम लोग को मारा गया, हम लोग भागते हुए फिर थाना के पास गए। थाना में भी वहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं थे। फिर एक दरोगा जी थे या जो भी थे, एक बैच लगाए हुए, हम लोग को बोले कि जाइए दानापुर में इलाज करा के आए। फिर दानापुर से इलाज करा के हम आए तो वहाँ देखे पहले से विधायक जी मौजूद थे, थाने में मौजूद थे। हाँ, वहाँ थाना में मौजूद थे इलाज कराए। फिर अपने उस थाना प्रभारी से क्या क्या लोग अंदर गुप्तगु किए, फिर वो चले गए। फिर हम लोग अपना दरखास्त जो है थाना प्रभारी को दिए, अभी तक कोई FIR हमारा नहीं लिए हैं। उसी तरह से पुलिस ने खोखा बरामद की थी, घटनास्थल हाँ, पे गई थी पुलिस, वहाँ तो घटनास्थल पर गई है, खोखा बरामद किया, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमने पुलिस थाना प्रभारी को मतलब वो उनके व्हाट्सएप नंबर पे हमने व्हाट्सएप सरकारी नंबर पे, हाँ सरकारी नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया। कितना खोखा बरामद किया गया? वो 4 खोखा उन्होंने बरामद किया है। आप लोग अकेले थे? हम थे और मेरे भी दोनों हैं, मतलब दोनों दोस्त हम लोग गए थे, बस हम ही दो आदमी थे वहाँ पे।